मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं जो या तो पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है। आप देख रहे हैं राहु का राशि परिवर्तन 2019 में 18 महीने के लिए 7 मार्च की सुबह राहु उच्च के हो जाएंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ राहु पर बेस्ड है, राहु और केतु दोनों परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें केतु के एपिसोड में अलग से दे रहा हूं, जिसे आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि यह है तो एक छाया ग्रह, लेकिन दुनिया पर है यह छाया हुआ। खूब नचाया इसने सभी को, पर सफलता का स्वाद भी चखाया। कितनों को उलझनों में उलझाया, कोई भी नहीं जान पाया राहु का रहस्य। राजनीति के गलियारों में राहु, सट्टों के बाजारों में राहु, परदेश में किस्मत चमकाने वाला राहु और टेक्नोलॉजी में बादशाह बनाने वाला सितारा राहु। दुनियादारी की पहचान कराने वाले राहु कि अपना कौन है और पराया कौन है। वह बुद्धि, तीक्ष्णता, ज्ञान, चतुराई, तेज गति से चलने वाला राहु, रणनीति और राजनीति को समझाने वाला राहु। राहु है तो छाया ग्रह, पर सबको इसने नाच नचाया है। धम्रकारो नील तनुर वस्तौ भई भयंकर वात प्रकृति को धीमान स्वर भानुषः तस्तम शिखी। इसका तात्पर्य है कि धुएं के समान सांवले शरीर वाला वनवासी, भयंकर आकार वाला वात प्रधान प्रकृति, बुद्धिमान, धार्मिक, हाजिर जवाब और मलेच्छ जाति यानी निम्न जाति से जो आने वाला जाति का राहु है, वह हम सबको कहीं न कहीं प्रकार से बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आ रहा है। नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसका वास होता है। यह बिल यानी अंधेरी जगहों पर रहता है। राहु पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, जिसने समस्त पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसके कारण को माना जाता है। राहु अधिशेष है। 12 अवतारों में से राहु को वाराहमिहिर का भी अवतार मानते हैं। बिना मान अमृत पियो शीष कटायो राहु। राहु और केतु के कंठ में जब अमृत पान चला गया था समुद्र मंथन के समय, स्टोरी बॉडी लंबी है, उसमें सर धड़ से अलग कर दिया गया और जो धड़ का हिस्सा वो केतु बना और सर राहु बना। इसलिए दिमाग राहु में बड़ा जबरदस्त है। इस साल मैं कुछ डेट बताऊंगा आपको जिसमें राहु अपनी राशि को परिवर्तन करने वाले हैं। ये 6 मार्च की रात और 7 मार्च की सुबह है। 5:34:17 पर मिथुन राशि उच्च राशि को जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में और 22 सितंबर 2020 तक रहेंगे। वहीं 11 सितंबर 2019 को रात को 10:32 पर ये आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जो लोग पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा, कर्जा, लीगल कॉम्प्लिकेशन फंस जाते हैं, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा चलता है, उनकी जिंदगी में राहु का बड़ा योगदान होता है। राहु झटपट शादी करवा देता है, प्यार, इश्क और मोहब्बत से जोड़ता है राहु। इसलिए यह राहु का राशि परिवर्तन मैं अलग से हर राशि का अलग अलग लेकर आया हूं, वो इसलिए ताकि आप डिटेल में इसे जान सकें। सबसे पहले मैंने आपको बताया राहु, इसके बाद मैं आपकी राशि से शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपकी राशि में राहु का क्या हाल रहेगा, साथ में राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि क्या करेगी और अंत में वो खास उपाय आप सभी को बताऊंगा जिसमें राहु अगर आपके अच्छे हैं तो और अच्छे किए जा सकते हैं और अगर राहु खराब है तो फिर राहु की बुराई को, राहु के दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। राहु की जानकारी के बाद अब मैं आप सभी को बताता हूं कि कर्क राशि में राहु की पोजीशन क्या रहेगी, दृष्टि संबंध कैसा रहेगा। एक नजर आपकी कुंडली पर। यह 4 नंबर की कुंडली है, जहां 3 नंबर लिखे हुए 12th हाउस है, वहां पर आपके राहु रहेंगे और राहु अपनी 5वीं दृष्टि से 4th हाउस जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन का होगा, मां का होगा। 7वीं दृष्टि से आपके कर्जे को देखेगा, आपके दुश्मनों को देखेगा और आपके हेल्थ को देखेगा। 9वीं दृष्टि से आपके एक्सीडेंट का घर को देखेंगे और आपकी उम्र के घर को देखेंगे और आपके जो वैचारिक मतभेद हम किसी से रखते हैं, कॉमन सेंस जो रखते हैं, विवेक, इसको देखेगा। तो सबसे पहले आइए 12th हाउस में गोचर का प्रभाव जान लेते हैं। आपको ये व्यर्थ के खर्चे देगा। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पर और बहुत सारी शॉपिंग आ गई तो ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, उस चक्कर में हमारे बजट भी गड़बड़ा जाते हैं और ज्यादातर चीजें हमारी खराब होती रहती हैं। और वॉरेन बफेट जो कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमा चुके हैं, वो एक बात कहते हैं कि जब भी आपके पास पैसा होता है, कई बार आप फालतू की शॉपिंग करते हैं और बुरा वक्त आने पर वो फालतू की चीज़ सब बेच के काम की चीज़ खरीदनी पड़ती है।
इसलिए ये राहु आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। इस समय अवधि में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आपकी अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, या हो सकता है कि आप वर्कहॉलिक ज्यादा हो जाए, काम का नशा हो जाए, बस आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, दुनिया को दिखाना है, उस चक्कर में इंसोमिनिया मानसिक बीमारी जिसमें नींद नहीं आ पाती ये डिस्टर्ब कर सकता है। यहां पर लेफ्ट आई और स्पेशली आंखों की तकलीफ आपको हो सकती है और डार्क सर्कल्स भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में आप ट्रैवल जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने पति पत्नी परिवार सबको एक तालमेल बिठा कर चलोगे तो अच्छा रहेगा। यह टाइम पीरियड में आपको एक अननोन फियर जरूर राहु देगा जो कि आपके हाथों से कोई ऐसा काम करवा सकता है जो गलत हो और उसके बाद लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाए। स्पेशली अगर आप पुरुष हैं तो महिला से तकलीफ और महिला है तो पुरुष से तकलीफ, ये तकलीफें आपको परेशान कर सकती है। ट्वेल्थ हाउस में इस पर बचाव ही उपचार है, हम ऐसा काम ही नहीं करें तो हमें कोई फंसाएगा कैसे। जो बच्चे ऑलरेडी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि किसी से बिना वजह न उलझें, वरना यह दुश्मनी भी देता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन और फिजिकल हार्म भी देता है। उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी, जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं वो ये राहु जरूर पहुंचा देगा। लग्जरी आइटम पर खर्चा बढ़ेगा और आपकी सुख सुविधाएं जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसमें मैं पहले ही कह चुका हूं खर्चों पर ध्यान दें। मनोरंजन से संबंधित गतिविधियां बहुत अच्छी रहेगी और आप इस 18 महीने में निश्चित रूप से ट्रैवल भी अच्छा करोगे और आनंद आप काफी हद तक लूट लोगे। पर ऐसा कोई काम मत करना 18 महीने आनंद लें और फिर नहीं ले पाए, तो सेविंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं राहु की पांचवी दृष्टि जो कि फोर्थ हाउस पर आएगी। अब देखिए तीन से लेकर ये सात की तरफ जो एरो जा रहा है ये आपका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस किसका होता है? एक तो अपने माता जी का, जमीन का, खुद के मकान का, सुख और सुविधाओं का, मटेरियलिस्टिक चीजें जिन्हें हम पैसा देकर खरीद सकते हैं। यहां पर देखिए पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़े से आप सावधान जरूर हैं। माता जी को कोई बीमारी दे सकता है, गठिया दे सकता है, अस्थमा दे सकता है और निमोनिया जैसी बीमारी दे सकता है, माता को कष्ट दे सकता है, ध्यान रखें। दूसरा, हो सकता है माता जी से वैचारिक मतभेद हो जाए और मां से वैचारिक मतभेद तो कभी मत करिएगा जिसने पैदा किया है। दूसरी बात, आपका अगर कोई कर्जा चल रहा है, कोई तकलीफ चल रही है, खर्चे ज्यादा है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो आपका मकान भी बिकवा सकता है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई नई जमीन ले सकता है या एक जमीन को बेचकर दूसरा करवा सकता है, ये राहु जरूर करवाता है। हो सकता है बैंक की नजर हो, कोई गलत लोगों की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन कहीं फंसाने का क्लेश पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसे बचाव के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। अनैतिक गतिविधियों में स्वयं को बिल्कुल डालने की कोशिश मत करें। वहीं आगे बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव, गंभीर बीमारी के लिए ऑपरेशन या दूसरे शहर में भी आपको जाना पड़ सकता है। जो जातक लंबे समय से समय अवधि में कुछ परेशान है, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं, यह जरूर आपको पूरा करना चाहिए सपना। मान लीजिए आपकी गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, अब आप उसे ठीक करवाते रहते हैं तो बेटर है कि उसे बेचिए और नई गाड़ी खरीदिए। गाड़ियों से मोह नहीं पैदा करना चाहिए, ना ही मोह में रखना चाहिए, इसलिए यह काम आपको जरूर करना चाहिए। अब राहु की सातवीं दृष्टि की बात करें, तीन से लेकर ये नौ की तरफ जो एरो जा रहा है, जहां ऑलरेडी शनि विराजमान है, शनि बैठे हैं, इसलिए आपको दुश्मनों से, कर्जे से और साथ में अपनी सेहत को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को पहले से कैंसर है और आप सिगरेट पीते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है और आपकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है, तो यह राहु शनि आपको गंभीर बीमारी में डाल सकता है। आप तुरंत प्रभाव से अपना चेकअप करवाएं। और साथ में जो लोग ओबेसिटी, खराटे ज्यादा लेते हैं और साथ में गलत खान पान करते हैं, गुटखा मुंह में हमेशा रखते हैं, सिगरेट बार बार पीते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप प्रॉपर चेकअप करवाएं, इनसे आप दूर रहें, वरना यह राहु और शनि का दृष्टि संबंध आपको लंबी बीमारी, लंबे लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। और आगे बढ़ें, ऐसा फैसला आपको लेना तुरंत चाहिए कि आप इन सब चीजों से दूर हो जाएं। वहीं अगर आप बीमार हो गए, आपको तकलीफ हो गई, तो शत्रु पक्ष आपके डेवलप हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि शत्रु भी नतमस्तक हो जाए, ऐसे स्ट्रांग बन जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मसल पेन और आंखों से संबंधित तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं, अपने रूटीन को परफेक्ट रखते हैं, स्पेशली लोकल फूड को एंजॉय करते हैं तो बढ़िया रहेगा। साथ में एक चीज का ख्याल आपको और रखना है कि यह टाइम पीरियड आपके बच्चों के लिए या व्यापार के लिए और किसी काम के लिए, हो सकता है बीमारी के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। यदि आप विदेश में रहते हैं, घर लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से यह योग बनेगा। अकेलापन आपको बहुत देगा ये राहु और अननोन फियर भी दे सकता है जिससे मानसिक अशांति बढ़ेगा। और अकेलापन तो सबसे बढ़िया होता है, किसी और के पास रहेंगे, अच्छी बुरी सब बातें करेंगे, हम खुद से क्यों नहीं मिले। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, जो कभी धोखा नहीं देती है, उन्हें अपनाइए, मजा आ जाएगा।
इसलिए मानसिक अशांति इस चीजों से ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राहु की 3 से लेकर 11 की तरफ जो एरो जा रहा है, ये नवमी दृष्टि है जो कि 8th हाउस पर है। वाहन का खराब होना, अनावश्यक यात्राओं पर खर्च होना, वाहन के टूट फूट होना और वाहन से चोट दे देना, ये सब स्थितियां यहां पर दे देता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप आगे जरूर बढ़ें लेकिन दुर्घटना का ख्याल जरूर रखें, वरना खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था 1 महीने पहले, कि टायर कमजोर था, ड्राइवर ने कह दिया कि सेठ जी टायर बदलवा लो, 40-45 हज़ार रुपये खर्चा था, डग्गी गाड़ी थी, तो सेठ जी ने माना नहीं, तो रस्ते में उनका टायर बस्ट हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गनीमत ये रही कि चोट बहुत लगी, गाड़ी तहस नहस हो गई, लेकिन खुद बच गए। ऐसा कई बार हम पैसा बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान को एक आगमन एक न्योता दे देते हैं, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। पुलिस थाने के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं गलत जुबान की वजह से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉमन सेंस को बेटर रखें और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप रखें, और गलत काम से बचना चाहिए जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाएगा। यह आपके लिए इतना बढ़िया रहेगा कि आप निश्चित रूप से गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, आध्यात्म, मेडिटेशन, इस पर आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत तगड़ा रहेगा, आपके मन में एक असुरक्षा का भाव रहेगा जिससे आप सुरक्षा की चीजें कर पाएंगे, कर पाकर अपने परिवार को बहुत सुरक्षित रख पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में खर्चे को कंट्रोल करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अननोन फियर पर विजय प्राप्त करनी है। सिंपल भाषा में समझा दूं, अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपके इन तकलीफों को कम कर सकते हैं, अच्छी चीजों को बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोग जो कि ज्योतिष और आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए अब मैं कुछ उपाय बता रहा हूं राहु के राशि परिवर्तन के लिए। केतु ने भी अपनी राशि परिवर्तन करने की सोची है जो कि 7 मार्च से है। अब यहां पर केतु के अलग एपिसोड है, अलग उपाय है, अब मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं। इस कड़ी में अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से राहु के जो बुरे परिणाम हमें मिलने वाले हैं उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी, लगभग खत्म भी हो सकते हैं, और जो अच्छाई राहु की हमें मिलने वाली है उसमें और बेहतरी हो सकती है। इसके लिए आप ये उपाय तो जरूर देखें, लेकिन मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं, आप इसके साथ साथ हमारे डेली के राशिफल भी देख सकते हैं, मंथली राशिफल भी देख सकते हैं, और साथ में आप हमें राहु से संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट्स भी करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि रविवार के दिन, महीने का कोई भी रविवार हो या सारे रविवार को, माँ काली की और भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें भैरव देव जी को स्पेशल आपको मंदिर में काले रंग की ध्वजा अर्पित करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा काम क्या करना है, रोज शाम को जब भी समय मिलता है, मान लीजिए आप कार चला के ऑफिस से शाम को आ रहे हैं, आप मन में ही ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का 11 बार 21 बार या आप उसी संख्या ना भी बोलें लेकिन उसका जरूर ध्यान दें। राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम हर रोज राहु काल का 1.5 घंटा छोड़ देते हैं शुभ कार्य के लिए, इसलिए हमें राहु को शांत करना जरूरी है। राहु बुध ग्रह से शांत होता है और बुधवार को हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए अगर आप हर बुधवार को गणपति भगवान को थोड़ी सी हरी घास, दूर्वा जिसे कहते हैं, और मोदक प्रसाद चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें राहु के लिए, तो बहुत लाभ मिलता है। शनिवार को सुबह हो या शाम हो, स्पेशली सूर्य अस्त के बाद, आप जो घर के आसपास कहीं काला कुत्ता दिख जाए उनको दीजिए दाना, और जो भी खाने पीने की चीजें, चाहे बिस्किट दे दें चाहे रोटी दे दें, वो देना चाहिए। और अगर सुबह टाइम मिलता है शनिवार को, कभी भी छुट्टी है, घूमने फिरने जाते हैं, झील किनारे कोई समुद्र दिख जाता है, तो वहां पर जहां जो मछलियां होती हैं उनको छोटी छोटी गोलियां बनाकर जरूर खिलानी चाहिए। पक्षी जहां पर होते हैं उनको दाना आपको शनिवार को डालना चाहिए, रोज आयत बहुत अच्छा है। काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, उनको अगर आप किसी प्रकार का दूध या खीर खिलाते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। इससे एक तरह का पुण्य काम भी है और साथ में हमें भी लाभ मिलता है। साथ में एक काम करें कि आप जो गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, अमावस्या के दिन स्पेशली शाम के समय जो शनि का मंदिर होता है उसके आसपास, क्योंकि शनि का ही शैडो प्लैनेट राहु है, उसके बाहर जितने भी लोग गरीब लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत पड़ चुकी है वहां बैठने की, लेकिन हम यही सोचकर अगर लोगों को दान न दें, मैंने कई बार देखा है कि लोगों को जब गरीब लोगों को कंबल देते हैं, जरूरतमंद लोग तो लोगों को तो वो बेच भी देते हैं, पर सभी नहीं बेचते हैं, उसमें कुछ लोग बेचते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को काम भी आती है। हम यही सोचा कि ये तो सब बेच देंगे तो हम न दें, बेचने दीजिए ना, आपको क्या करना है, आप अपना काम करिए तो ज्यादा बेटर है, और इतना ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती है तो उसको फाड़ दीजिए थोड़ा सा, तो बेच ही नहीं पाएंगे। हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। गरीब लोगों को कंबल देना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तेल डोनेट करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ मिलता है। अगर आप माता हैं, महिला हैं,
और पत्नी है या फिर कोई भी घर की स्त्री है और वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के राहु की दशा से या राहु की पीड़ा से परेशान है, तो आपको हर रोज या हर सोमवार या शनिवार को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम राम राहुए नमः मंत्र का जाप, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, संकल्प लेकर कर सकती हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, ये करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु रक्षा यंत्र को आप जोधपुर कार्यालय से मंगवा सकते हैं और साथ में राहु के स्पेशल माला होती है जिसे भी मंगवा सकते हैं। अब एक विशेष मंत्र दे रहा हूं, अगर आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई संकट या परेशानी में फंस चुके हैं और आपको राहु पीड़ा दे रहा है, तो ओम ह्रीम लिरीम बगला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम लिरीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं मां बगलामुखी का, तो संकट का नाश होगा, कष्ट कम होंगे। और साथ में आप शनि का भी पाठ कर सकते हैं, ओम शम शनेश्वराय नमः, शनि को तेल अर्पित करें तो भी इसमें काफी हद तक शांति मिलती है। आप अधिक जानकारी के लिए ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आप मेरी मासिक पत्रिका है ग्रहों का खेल, जो इस वक्त मेरे पास भी है, इसके सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यह मासिक पत्रिका आपके घर पर कुरियर के या रजिस्ट्री के द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी से राहु की शांति की प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूं तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर मन मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 4 फरवरी को भुवनेश्वर, 5 फरवरी को मैं जमशेदपुर में रहूंगा, उसके बाद 9 फरवरी को मैं जोधपुर हूं, 13 फरवरी को मुंबई, 14 फरवरी को पुणे रहूंगा, 15 और 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 9 और 10 मार्च को मैं सिंगापुर रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा। 23 यानी 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कई इनके हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं। टेलीफोन
अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।